तो भाई ये बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। यहाँ से भगवान ने अपनी सेना की कमांड करी थी जब दक्ष महाराज पे उन्होंने यही तो दिखाना था, सेना भेजी थी। नाथ तो दिख ही रहे होंगे प्यारे से, हमारे प्यारे भोलेनाथ। हम अपने भैया और के साथ यहाँ निकले हैं छोटी सी राइड मारने। अभी हम स्कूटी पर हैं लेकिन हम अभी गाड़ी में जाएंगे। हरिद्वार की मस्त कैडी ठंड में लोग शर्ट का इस्तेमाल करते हुए समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे। क्या इन लोगों के शरीर पत्थर के? अरे तेरी बहन का भैया भाग जा। हाँ ठीक है, वो देखिए आप ग्रह क्लेश सोवा। और ये हम आ गए हैं दोस्तों, एड्रेस लिख कर दूंगा तुम्हारा। अरे कर दे नहीं, इस टाइम तो गुस्से में ना इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात चल रही। चलो आए विशाल भाई। कितनी प्यारी गाड़ी है यार ये। कौन सी? होलो वॉक वैगन। मेरे चेहरे का क्या करेगा तू? आप ऐसे लग रहे वेल्डिंग करने वाले। बाहर नहीं आने का कुछ फिर? नहीं नहीं, ठंड में इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं चाहिए। और गाइस द मैन इज हियर, नमस्ते। द मैन इज हियर विद अ पावरफुल टोपा। ये कार जो है ये बड़ी खतरनाक गाड़ी है, इसमें यमदूत साथ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है ही इज माइकल शूमाकर बीटा वर्जन। गाइस बिजली कड़क रही है इंद्र देवता की, देख सकते हैं। ओह चल गई लाइट, थोड़ी सी हिल रही है लेकिन सब ठीक है अपनी अपनी जगह। और ये माइकल शूमाकर बीटा वर्जन इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस, सॉरी इन फ्रंट ऑफ अस। एंड उनके साइड में है हमारी प्यारी वैभव। सो वैभव भाई कैसा है मूड आपका? हमें लग रहा है बड़े व्यथित हैं आप अंतरात्मा से। भाई आदमी डूबने की वीडियो देख रहा स्विमिंग में, कैसे सुसाइड करी था भाई? कुछ नहीं हुआ, पकड़ लेंगे हम तुम्हें, तुम चिंता मत करो। थिएटर? अरे यार पागल है के व्हाट द फक भाई, गर्मी हो रही है मेरे सर में लग रही है इस टाइम। तो अपने शीशा खोल ले ना, मैं ठंडा रख सकता ना गर्म रख सकता, मेरी बात समझ नहीं। शीशा तो खोल ले अपना, मुंडी बाहर निकल लटकता हो जा, स्पीकर की नगर की कहाँ से लाया मैं? हेलो गोइंग टू बी शादी शुदा। हेलो ब्लू जैकेट ठंड लगे हुए पर्सन। नहीं आजकल लोगों को शर्म लिहाज ही नहीं रही। हाँ कूड़ा फेंक दो मेरे मुंह पे। ओहो लंगा। अरे गाइस गाइस इतने कपड़े, अरे फॉक्स हो गया, इसीलिए तो लग रही थी गर्मी। भाई नंगा हो रहा है आदमी आज, आज ब्लॉक पे ही इज स्ट्रिपिंग। हाँ स्ट्रिपिंग, आज एक पोल लगवा दे क्या? ऐसे हिला हिला के कपड़े उतारेगा अगला। अरे भाई साहब फैनी टेंशन मत लो। अरे बहुत बढ़िया, कहाँ है जब पूरा हाथ कंधे से टच हो जाना तो समझ जाओ मामला खराब बहुत ज्यादा हो गया। भाई यहाँ पे एरिया तो पता नहीं मुझे, BHL में यहाँ खाने आए थे हमारे भाई लोग, अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमने तो कुछ खाया नहीं, हमें बैठने भी नहीं दे रहे क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं। दिस इज नॉट गुड।
तो दोस्तों व्लॉग शुरू हुआ है। देखो आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग आए हैं भगवान शिव के चरणों में। ये देखो क्या व्यू है, अल्टीमेट। हमारा छोटा बांद्रावली सीलिंक, हर की पौड़ी, और हम यहाँ भगवान के दर्शन करने आए। बहुत सुंदर जगह, आने का मज़ा ही अलग है। ये देखो यहाँ महादेवी महाकाली विराजमान है, माई हमारी, कितनी सुंदर लग रही। और अच्छा गार्डन, मस्त प्लेस, और भगवान शिव कितने बड़े, कितने बड़े, मतलब वाह। वाह, भव्य। हमारे दोनों भाई लोग दिख नहीं रहे होंगे, तो हम अब कैमरे से फ़ोन पे शिफ्ट करते हैं व्लॉग। और भाई अब हम आ गए हैं हमारे फ़ोन पे, भगवान, हमारे भाई लोग और मैं। तो भाई मैं लाइट के नीचे जाता हूँ, वैसे लाइट भगवान के लिए है। मस्त हम रात को निकलते हैं, जब हम हरिद्वार आते हैं हम रात को शूट करते हैं, और रात का यार अलग ही एक एनवायरनमेंट होता है। रात इज़ ब्यूटीफुल। तो हम जब हरिद्वार आते हैं हम ऐसी जगह निकलते हैं जहाँ हमें शांति मिले, क्योंकि आजकल शांति नहीं मिलती। और मेरा काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी मुझे दो अच्छी चीज़ें मिली। पहला, मैं काम भी कर पा रहा, और दूसरा मैं इन्जॉय भी कर पा रहा। जब मुझे मेरे आसपास के लोग थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते हैं मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है। जैसे कि हम काम भी कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, है ना, बढ़िया। ऐसे ही होना चाहिए, काम तुम्हारा ऐसा हो कि तुम भी खुश रहो और काम भी खुश रहे। और ये देखो, ये अपनी कैमरे के फंक्शन को समझते हुए, ये कैमरे के फंक्शंस को समझ रहे हैं हमारे भैया। वैभव इज़ बैक गाइस, वैभव इज़ बैक। और ये तो है ही, ये तो सारा हरिद्वार के व्लॉग बिना इनके हो ही नहीं सकते। और अब मतलब हमारी दो टीम बन गई हैं, एक आकाश मुकुल और एक वैभव विशाल, वी वे वी स्क्वायर है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ, पहले यहाँ का पेंट बहुत मतलब ब्राउन पेंट था अलग से ही, बाद में पेंट वापस सही हुआ। हाँ, ये दोबारा दूसरा पेंट हुआ। नीचे महाराज बैठे हैं, महाराज की जय हो। अरे प्रभु, महाराज लग रही आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड आपको क्या, ठंड क्या, गर्मी, ऊपर महादेव, नीचे गंगा मैया, आशीर्वाद से परिपूर्ण जीवन तो आप ही जी रहे हो प्रभु। हम लोग तो बस उसकी शरण में आप लोगों के लिए, आप उद्धार हो सबका भला हो भोलेनाथ। इधर हमारे ब्रो ट्राई मार रहे हैं टू शूट। ये पावन गंगा का पावन तट, और वहाँ पे होटल, वाले घर बहुत पीस है, शांति के साथ, शांति के साथ सो सकते हो, शांति के साथ। लेकिन हमें शांति के साथ नहीं, अकेले सोना। बट ये मनुष्य जो है यहाँ पर, ये लिटरली शांति की बात कर रहे हैं। या बिल्कुल, ये लिटरली शांति, शांति के साथ ये लीला मचाना चाहते हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, इमोशनल डैमेज, लीला खत्म, इमोशन तो ले गई ना, तू ले गया ऐसा प्रेम। जो शूट कर रहे हैं ना हम, उनका नाम राहुल रख रखा है। बिल्कुल, क्यों रख रखा तुम्हारा नाम राहुल, बताओ। राहुल मेरा नाम क्यों रख रखा है? ये बहुत ही ज्यादा दिव्य कथा है। ये बात है उन दिनों की जब जेब में 10 रुपए हुआ करते थे और खर्चा 100 रुपए हुआ करता था, फिर भी हो जाता था। आज जेब में 1000 रुपए होते, खर्चा 100 रुपए होता, तभी भी नहीं होता है। अरे भाई, ये जिस बंदर को कह रहे हैं कहाँ जा रहा है दोस्त,
मैं लिटरली इनका दोस्त। हालात भाई वो बिल्कुल वो बिल्कुल रुक चुका है, अब वो सोच रहा है कि मैं अपने चुतर देख रहा हूँ लाल है इस आदमी के, काले क्यों है, ब्लू लग रहे होंगे तो वो लाल कर देगा बेटे चाटा मार मार के। एक्सपीरियंस है पूरा, एक्सपीरियंस की बात कहाँ से आ गई इसमें। लेकिन भाई अच्छी अच्छी जगह मिलती है उत्तराखंड की, असली जगह हमारे भाई लोग हमें लेके जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ घूमते रह जाते हैं। नहीं हमारा व्लॉग है भाई, हमने कैमरा ले रखा, हमने फोन ले रखा, जो करेंगे अपने हम करेंगे, कोई करे ना करे हमारे घर वाले हमें गाली दे। भाई हमारी दूसरी डेस्टिनेशन अगर दिख रहा हो तो कुछ, किस जगह कह रहे हो तुम यहाँ से दिखने के लिए? यहाँ से बंद हो गया वो, पिछली बार भी आया था, उन्होंने पेड़ उगा दिए, नहीं पेड़ उगा दिए पूरे में। तो भाई ये बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है, यहाँ से भगवान ने अपनी सेना की कमांड करी थी जब दक्ष महाराज पे उन्होंने सेना भेजी थी, और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भगवान ने सारा देखा था, वे तो खैर बहुत विशाल काय थे, लेकिन यहाँ से आज भी दक्षराज का महल दिखता है, और जहाँ पे भगवान विद्यमान है वो कनकल क्षेत्र में दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी दिखता है। ये भगवान का श्रृंगार मैं अभी दिखाता हूँ, यह है नीलेश्वर महादेव जो भगवान ने जहाँ अपना पैर रखा था वहाँ से प्रकट हुए थे। बाद में भगवान के भक्त ने यहाँ उनकी तपस्या भी करी थी, उसके नाम से ही लोग जानते हैं, वैसे लोग नहीं जानते पूर्व कथा, तो ये आप शिव पुराण के अंदर पढ़ सकते हैं दक्षवध की कथा में। हम जहाँ पर हैं हरिद्वार, इसका एक नाम हरिद्वार भी है, हरिद्वार का मतलब होता है हर का द्वार, यानी भगवान शिव का द्वार, और एक है हरिद्वार अर्थात भगवान विष्णु का द्वार। तो भाई अब हम दिखाते हैं मेन चीज़, चलो। यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान के शिवलिंग है प्राकृतिक, यहाँ पे एक भगवान का शिवलिंग है और यह है भगवान का प्राकृतिक एक शिवलिंग, ये लकड़ी के अंदर भगवान प्रकट हुए हैं, बहुत सुंदर है। अच्छा लकड़ी के हैं? हाँ उधर भी पीछे लकड़ी के तने में से ही निकले हुए, और यह है भगवान का नीलेश्वर महादेव जहाँ से भगवान ने, फ्लैश बंद करता हूँ ये रे, बहुत सुंदर दर्शन, नंदी महाराज बैठे इधर, गणपति जी उधर, भगवान माता के साथ विराजमान हैं, और यहाँ भगवान का बड़ा भव्य श्रृंगार होता है। नहीं अगर इसकी कोई फुटेज मेरे पास पुरानी पड़ी होगी हमारी पूजा के समय की तो तब मैं ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे भगवान देखो कितने सुंदर रूप में, साकार रूप में है, ये भगवान का साकार रूप है, बहुत सुंदर प्रभु यहाँ विराजमान है, बेहद सुंदर। और ऐसे ही दिव्य स्थान भी मैं दिखाता हूँ, मस्ती भी मैं कराता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं। ये भगवान के सारे श्रृंगार हैं जो यहाँ होते हैं, कितने सुंदर है, और ये है पुरानी हर की पौड़ी सन 1656 मुगल कालीन, अगर आप स्टिल लेना चाहो तो यहाँ से ले लो, और ये भी आप पढ़ सकते हो स्टिल लेके, यहाँ लिखा है मुगल शासन कालीन प्राचीन हर की पौड़ी, ये बहुत पुरानी फोटो है, और यहाँ पे सारे यहाँ के संत रहते हैं, और ये भगवान का वो सिद्ध धूना है जो भगवान शिव के समय का है। अरे वाह, एक और, आप तो हीरो की तरह आए हो, एक और पार्किंग राजा महाराजा है भाई, मैं वही तो कह रहा है इसलिए तो राजा, किंग ऑफ किंग्स, भैरव जी के प्रिय, देख लो बेटे यहाँ तो घंटे ही हमारी छाती तक है, वो बैठ गया, वो बैठ गया, वो अपनी मस्ती में लग गया। तो भाई अब हालात ली, दिन तेरे बिना ना।